नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त लगभग 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को ये जानकारी दी। दरअसल यूपी में 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट आया है। 17,000 रिक्त पदों पर आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जानकारी दी है कि सहायक शिक्षा भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। बता दें, शिक्षा मंत्री ने बताया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सूची 29 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी और 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर लिस्ट का प्रकाशन भी 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को 6 जनवरी 2022 तक नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें, 59,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लगभग 1.5 साल से संघर्ष तक हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है। इन उम्मीदवारों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब 17,000 नई भर्तियां निकालने की घोषणा की गई है। 23 दिसंबर को अभ्यर्थी राज्य बीजेपी कार्यालय जा पहुंचे थे और अंदर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पुलिस ने मुश्किल से अभ्यर्थियों को वहां से हटाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जल्द इस मामले में नियंत्रण लेने की बात कही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।